भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने बयान के कारण चर्चा में हैं। उन्होंने शिवराज सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मीडिया का पेट शिवराज सिंह चौहान ने इतना अधिक भर दिया है कि मीडिया को मेरी जरूरत ही महसूस नहीं होती। कमलनाथ ने कहा कि आज का हर किसान आधुनिक है, इसलिए वह तकनीक और कानून दोनों को बखूबी समझता है। आज़ादी के बाद से ही जनसंघ देश के उद्योग धंधों का निजीकरण करने की बात करता था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय भी जनसंघ ने विरोध किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कृषि कानून केवल कृषि क्षेत्र का निजीकरण करेगा और MSP की संभावना भी खत्म हो जाएगी। NDA समर्थक पार्टियां भी अब कृषि कानून को लेकर विरोध में उतर रही है। किसानों को लेकर केंद्र सरकार की सोच में खोट है और कर्ज माफी को लेकर CM शिवराज बहुत झूठ बोलते रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बताया कि 16 जनवरी से छिंदवाड़ा से किसान सम्मेलन की शुरुआत करने जा रहा हूँ, इसे आंदोलन नहीं समझा जाए। कांग्रेस प्रदेश के किसानों को जागरूक करने के लिए सम्मेलन करेगी। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। जब आप केंद्र में जाओ, किसान जिसने 5 क्विंटल बीज खाया वो धक्के खाएगा, अपील करेगा, उसको कैसे नहीं मिले। तो इन्होंने कानून, उसका जो कानूनी उपाय था उसको भी खत्म कर दिया। किसान तो तभी बोल सकता है जब उसके पास खाद और बीज हो। खाद और बीज की मैन्युफैक्चरिंग तो किसान नहीं करता, वो तो गवर्नमेंट ही देती है कोऑपरेटिव्स के थ्रू। अगर ये कम कर दिया तो कौन किसके पास जाएगा खाद और बीज? निजी कंपनी के पास। तो निजी कंपनी खाद और बीज लेके जाएगी, कहेगी भाई खाद बीज हमारे पास है, तुम हमें दे, हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लो। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए मजबूर कर देंगे। किसान सोचेगा मैं तो मर जाऊंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो परमिशन दी गई है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे, बड़ा साधारण बड़ा सरल लगता है, पर जिस किसान को खाद और बीज ना मिले वो तो मजबूर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसीलिए ये 3 कानून बड़े काले कानून है। मैं रिसेप्शन में ये बात कह रहा हूं, पर ये पूरी व्यवस्था जो बदलने का प्रयास है, इसको बारीकी से समझने का, और खास करके आप जो समाज के भी एक प्रकार के रक्षक हैं, आपको समझ कि इसका प्रभाव हमारे मध्य प्रदेश पर क्या पड़ेगा। इसमें जहां 70% हमारा अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है, आज के दिन मध्य प्रदेश का उत्पादन पंजाब से आगे, पंजाब का है 175 लाख टन, 175 लाख टन, मध्य प्रदेश का है 196 लाख टन। ये मैं 19-20 की फिगर दे रहा हूँ कि 20-21 की अभी तक पूरी तरह आई नहीं, पर ये बड़ी है और ये गैप बड़ा है। मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा 66% 2/3 प्रोडक्शन करता है गेहूं का, केवल 3 प्रदेश। ये जो आंकड़े हैं ये सब इंटरनेट पर, जो कोई गुप्त आंकड़े, सब इंटरनेट से मैंने भी निकाले। और अगर मध्य प्रदेश का गेहूं का उत्पादन बढ़ रहा है, हमारा जो प्रोक्योरमेंट है MSP कितने लोगों को मिलता है? प्रश्न ये है कि सबको MSP मिल जाता है? मध्य प्रदेश में 20% लोगों को MSP मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।